हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड, जब कभी भी हमें दो कलर का कोई नीटिंग पैटर्न बनाना होता है तो हमारे माइंड में आता है कि हम ऐसा कौन सा डिज़ाइन बने जो सुंदर भी हो और जल्दी से भी बन जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चों के स्वेटर में डालो या लेडीज़ कार्डिगन, लेडीज़ कोटी, जैसे भी जहाँ भी आपकी ज़रूरत हो। तो किस तरह से हम इस डिज़ाइन को शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को डालने के लिए हमें नौ के मल्टीपल से फंदे लेने हैं और पहला फंदा हमने ऐसे ही उतार लिया है। तो देखिए किस तरह से हम इस डिज़ाइन को शुरू करते हैं। देखिए, बॉर्डर बनाने के बाद अपने बेस कलर से हमें ये डिज़ाइन शुरू करना है। तीन फंदे हमने बेस कलर के ले लिए हैं। देखिए, तीन फंदे बेस कलर के बनाने के बाद एक एक्स्ट्रा फंदा बनाया, फिर तीन कलर के बेस कलर के तीन फंदे ले लिए। अब देखिए किस तरह से ये डिज़ाइन हमारा शुरू होगा। एक फंदा हमने जो दूसरा हमें सेकंड कलर लगाना है उसका बना लेंगे और तीन फंदे फिर से बेस कलर के बनाएंगे। देखिए, और दो फंदे हमें इसी कलर से बनाने हैं। देखिए, दो फंदे इसी कलर से बनाने हैं। तो इसी यही हमारे नौ फंदे बार बार रिपीट होंगे। जितने भी आपने फंदे डाले हैं अपने पैटर्न में, तो नौ फंदों को ही हमें रिपीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए तीन फंदे ऑरेंज के बनाने हैं और एक फंदा हमें फिर से तीन फंदे बहुत ही सुंदर पैटर्न बन के तैयार होता है। बच्चों के स्वेटर में या लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ कोटी में, किसी में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद। दो फंदे ब्राउन कलर के, फिर से तीन फंदे ऑरेंज कलर, देखिए तीन फंदे हमारे फिर से इसी कलर के बन जाएंगे और लास्ट वाला फंदा भी हम ऐसे ही उतार लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन की पहली रो कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, एक फंदा हमने एक्स्ट्रा लिया जो हम लेते हैं सभी डिज़ाइन में, एक इधर एक उधर। देखिए, ये हमारा सात फंदों का पैटर्न है और दो ये इसके साथ नौ फंदे। तो तीन फंदे हमने बेस कलर, फिर एक अलग सेकंड कलर, फिर तीन फंदे, तो सात फंदे, दो फंदे हमारे दूसरे कलर के जो हमने लगाया है। तो ये हमारे नौ फंदों का पैटर्न है। अब देखिए उल्टी सिलाई में हमें कैसे करना है। ये डिज़ाइन की हमारी दूसरी रो है। उल्टी सिलाई में जो जैसा भी हमें कलर दिख रहा है हम उसको वैसा ही बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातें होती हैं जो बीच में ही समझ में आती हैं। तो जब भी हमारे दूसरा कलर आ जाता है तो हमें इसको ऐसे अटैच करके शुरू करना होता है जिससे हमारा फंदा मजबूत हो जाता है। देखिए इस तरह अटैच करके अगर हम फंदा चलेंगे तो हमारे जो फंदे हैं दूसरे वो मजबूत हो जाएंगे, अलग अलग नज़र नहीं आएंगे। अब देखिए इस तरीके से अब हम दो फंदे इसके बनाएंगे। जो भी हमें जैसा जैसा कलर दिखता चला जाएगा वैसे ही हम बनाते चले जाएंगे। दूसरी सिलाई को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। ये डिज़ाइन की हमारी दूसरी रो कंप्लीट हो चुकी है।
अब देखिए डिज़ाइन की हमारी तीसरी रो। देखिए फ्रेंड डिज़ाइन की जो तीसरी रो है उसमें हमें पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे, एक फंदा, दो फंदा, दो फंदे हम उसी कलर के बनाएंगे। अब देखिए जो हमने एक फंदा लिया था उसके पास वाले फंदे को हम इस कलर से बना लेंगे, और जो फंदा हमने पहले ब्राउन का लिया था उसको हम यहाँ से अब ये कलर चेंज कर देंगे। देखिए इस तरीके से आसपास के दो फंदे हम और ब्राउन कलर के ले लेंगे। अब देखिए दो फंदे हमारे, अब देखिए जो हमने ये दो फंदे लिए थे ब्राउन कलर के, अब इस बार हम इन्हें भी इसी कलर के बना देंगे। देखिए इस तरह से, और इधर वाले दो फंदे। अब पहले हमारे यहाँ पे दो दो फंदे थे, अब हमारे यहाँ पे छह फंदे हुए क्योंकि हमने इसको भी बेस कलर से ही बना लिया है। अब देखिए यहाँ से हमारा ये चेंज होना है, और ब्राउन कलर को भी हम ऑरेंज कलर से बना देंगे। ये बहुत ही सुंदर और आसान सा पैटर्न है। देखिए फ्रेंड्स ये डिज़ाइन जो है आर्टिकल से बनाए जाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, बिना कई बार इनको गिनकर भी बनाना पड़ता है और देखकर भी बना सकते हैं आराम से। देखिए इस तरीके से हम, अब हमारे पहले दो दो फंदे थे साइड में, अभी छह फंदे हो जाएंगे, पैटर्न हमारा थोड़ा चेंज हो रहा है। तो देखिए अब हमारा यहाँ से ये जो हमारा पहले ऑरेंज था वो ब्राउन था वो ऑरेंज हो जाएगा बीच वाला, और इसके पास वाले दो फंदे ले लिए हमने। देखिए इस तरीके से सीधा फंदा बना लेंगे लास्ट वाला। अब देखिए जो हमारा उल्टी रो है, उल्टी रो जैसे हमने बनाई है, जो फंदे हमें जैसे दिखेंगे आप उल्टी रो को उसी तरह से कंप्लीट करें। देखिए इस तरीके से सभी फंदों को जो फंदा में जैसा दिखता जाएगा उसी तरीके से हम फंदे को बनाते जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स डिज़ाइन की हमारी पांचवी रो है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, और देखिए ये वाला फंदा जो है साइड में इसको हम ब्राउन बना लेंगे, और ये इसको हम यहाँ से मिस कर देंगे, ये हम उसी कलर का बनाएंगे। अब ये जो फंदा है इसको भी हम ब्राउन बना लेंगे, और ये वाला फंदा हम यहाँ से इसका चेंज कर देंगे। देखिए इस तरीके से, और इसका साइड वाला एक और फंदा हम ब्राउन बना रहे हैं। देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न जो है चेंज हो जाएगा। देखिए अब हमें दो फंदे, यहाँ पे हमारा एक ही फंदा बचा है। अब ये जो दो फंदे हमने ऑरेंज कलर के बनाए इनको अब हम फिर से ब्राउन कलर के बना देंगे दो। अब हमें बीच में यही ध्यान रखना है, इनके भी दो रो कंप्लीट होने के बाद इसे चेंज करना है। तो किस किस तरह से हम इसे चेंज करेंगे आप देख सकते हैं। तसल्ली से इस डिज़ाइन को बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनेगा, और बच्चों के स्वेटर में तो ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है। इस फूल में हमें यही ध्यान रखना है कि ये हमें जो हमारे पहले ऑरेंज कलर के थे वो ब्राउन में बदल जाएंगे, और जो ब्राउन वाले थे वो ऑरेंज में बदल जाएंगे। जितना भी आप इस फूल को बढ़ाना चाहते हैं, सात का नौ का, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने ये फूल सात का ही बनाया है। जो देखिए इस तरीके से हमारे डिज़ाइन की पांचवी रो बनकर तैयार हो गई है। छठी रो को हम उल्टा उल्टा ऐसे ही बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स डिज़ाइन की अब हमारी सातवीं रो है। अब सातवीं रो को फ्रेंड्स हम देखिए, ये जो सातवीं रो है हमारी इसको हम सीधा सीधा बना लेंगे और एक ही कलर से बनाएंगे।
मैंने ये 7 फंदों का ही आर्टिकल रखा है। इसका जो डिज़ाइन है आप अपना बड़ा घटा भी सकते हैं। तो अब जो हमारी 7वीं रो है ये हम पूरी एक ही सिलाई एक ही कलर से बना लेंगे। देखिए इस तरीके से पूरी हम एक कलर से बनाते हुए इसको पूरा करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमें इस डिज़ाइन में अच्छा सा हाइलाइटर कैसे देना है जिससे कि ये बहुत सुंदर लगे और डिज़ाइन की और भी अधिक खूबसूरती बढ़ जाए। तो देखिए बने रहिए आप हमारी वीडियो में, हम आपको बताते हैं कैसे हम इस डिज़ाइन को आगे बना रहे हैं उल्टी सिलाई बनाने के बाद। देखिए फ्रेंड्स 8 रो कंप्लीट करने के बाद हमारा डिज़ाइन जो है इस तरह से दिखता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में डिज़ाइन। अब देखिए इसको हम कैसे हाइलाइटर यूज़ करेंगे इसके साथ में डिज़ाइन के, हम कैसे हम इसे बहुत खूबसूरत बनाएंगे जिससे कि डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगे। तो देखिए फ्रेंड्स जब हमें दूसरा कलर लगाना होता है तो इस फंदे को हमें बुनना पड़ता है। तो देखिए ये फंदा हमने बुन लिया है पहला। अब देखिए इसके साथ में हम किस तरह से डिज़ाइन को इसे खूबसूरत बनाएंगे। अब देखिए हमें 2 फंदे के पास से इस तरह से एक लूप निकालनी है और इस लूप को हम इसके ऊपर ही चढ़ा लेंगे और एक लूप से एक लूप के साथ ही इसको हम इस तरह से बुन लेंगे डिज़ाइन ऐसे, और इस फंदे को हम फिर दोबारा से बुन लेंगे। अब देखिए फिर से हम एक लूप निकालेंगे और इसको इसके ऊपर ही चढ़ा देंगे और इसको यहाँ से हम सीधा बुन लेंगे। जो फंदा हमारा घट रहा है वो साथ के साथ ही बढ़ रहा है, वो साथ के साथ ही घट जाएगा। इस तरीके से हम अपने इस डिज़ाइन को बहुत खूबसूरत बनाते हुए ये हम डिज़ाइन यूज़ करेंगे। 2 कलर में क्या होता है कि हमें इसी तरह का कुछ डिज़ाइन बनाना होता है वरना वो डिज़ाइन जो है सुंदर नहीं लगता। देखिए इस तरीके से हम इसको 2 का 1 बना लेंगे तो फिर से इस फंदे को भी बुन लेंगे। हर डिज़ाइन के बाद में आप हर जब भी नीचे जो हमने डिज़ाइन आपको बना के दिखाया है इसके साथ बनाएंगे और हर 2 सिलाई के बाद डिज़ाइन की 2 सिलाई बनाने के बाद ये डिज़ाइन रिपीट करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन हमारा लगेगा। देखिए पूरी रो को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये वाला डिज़ाइन बनाने के बाद हम उल्टी सिलाई को उल्टा ही बना लेंगे। उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना, ना ही कुछ चेंज करना है क्योंकि सिंगल कलर है और हमने अभी जो डिज़ाइन डाला है उसके बाद हम उल्टी ही सिलाई बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार होता है। देखिए अब हमें सभी 2 रो जो हैं ऑरेंज वाले की बना लेनी है और उसके बाद अपना डिज़ाइन फिर से इसी तरह से शुरू करना है। तो फ्रेंड्स आज आपको कैसी लगी ये वीडियो और कैसा लगा डिज़ाइन बताने का तरीका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।